डेल्टा ई न्यू सीवीडीटी क्या होता है बोलो डेल्टा ई। तो क्या क्या बातें बता रहा हूं अभी मैं स्मूथ ट्रायल नहीं कर रहा है यहां पे आपको पूरा जो इन एडियाबेटिक प्रोसेस व्हाट द वन डू सिंपली व्हाट चेंज इन आप बोलोगे सर इतना घुमा के रहे हो मैं बताऊंगा आपको करिए तो कर रहे हमने हमें वैसे पता है कि दैट इज अब डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन लिखते हैं यानी कि यहाँ पे अगर मैं लिखूं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस व्हाट डेल्टा डब्ल्यू इन एडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा क्यू जीरो ये कौन डायरेक्ट है डेल्टा क्यू और व्हाट जीरो तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू जीरो व्हाट इज डेल्टा डब्ल्यू माइनस डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा क्यू ठीक है जी वैसे गप्पे मार रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ से ले अब हमने क्या करना है नेक्स्ट काम क्या करा नेक्स्ट काम है डेरिवेशन पीवी का मान तो मुझे आराम से सोचना है जरूर ये सारा मैंने कंप्लीट पॉइंट ऑफ अप्रोच से आपको बोले आई यू कैन सी आपको भी कोई कुछ प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को ये भी याद नहीं हुआ लेकिन मानो याद है बड़ी कॉमन सी बात है तो एडियाबेटिक में बोलते हैं सिंपली चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद नेगेटिव साइन एंड सो ऑन सर इस संडे को टेस्ट किस का है सर चैप्टर तो मैं तो बोलूंगा नहीं जानता जैसा बोलो वो ले लेते हैं सर चैप्टर की प्रैक्टिस तो कोई भी नहीं हुई आपने कहा था ऑब्जेक्टिव बाद में कर लेना हां तो ऑब्जेक्टिव लेवल पर डाल कॉपी पेस्ट डाल दो ना कुछ मतलब जितना कॉपी में क्वेश्चंस हुए तो प्रैक्टिस फार्मूला प्रैक्टिस क्वेश्चन हो रहे हैं जो फार्मूले हैं दैट्स ऑल वो याद आते नहीं आते आपको चैप्टर बताओ आपका हो क्या हुआ है पानी मैच डाल दी टेंपरेचर ठीक है पेपर लीक कर रहा हूँ एक आपको 40 थर्मोमीटर वाला क्वेश्चन आएगा आ रहा है कुछ की आ जाएगा थर्मोमीटर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा ठीक है इसमें क्या बोल रहा है व्हाट आई एम डूइंग पेपर लीक कर रहा हूँ या प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपके जो जरूरी क्वेश्चन है थर्मल एक्सपेंशन में थर्मल स्ट्रेस करा दिया था उसका कॉपी में जो किया था वही बस वही क्वेश्चन आ जाएंगे होगा कि याद रिकॉल तो आप ही नहीं कर रहे ना तो इसलिए आप टेंशन लेके ना दो तो कॉपी बेस्ड टेस्ट जो भी कॉपी में हुआ है हो जाएगा अब क्या रहा केटी जी KTG में फॉर्मूले बेस्ड यार आपको RMS वेलोसिटी फॉर्मूले मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी फॉर्मूले यस सर तो दैट इज ये सब कुछ हो गया एंड सिर्फ एक फॉर्मूला कौन सा किया हमने मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला नहीं किया ये उसको फॉर्मूला बेस्ड का सोचिए डायनामिक क्वेश्चन आपको टेढ़े वाला क्वेश्चन कोई नहीं आएगा कि दो तीन चीजें मिक्स करके क्योंकि कोई प्रैक्टिस नहीं करी आपने सिर्फ फॉर्मूले आपने और सर हमने फ्लूइड मैकेनिक्स की आंसर थी भेज दी सर सॉल्यूशन सॉल्यूशंस अच्छा फिर आंसर की साथ नहीं आ जाती है नहीं फिर मैं अच्छा आंसर साथ नहीं आती है नहीं फिर मैं डिस्कस ही कर दूंगा मैं मुझे लगता है सॉल्यूशंस के होंगे तो वो कोई दिन रख लो मंडे का दिन रख लो आप ले आना प्रिंट आउट मैं भी ले आऊंगा प्रिंट आउट के बिना डिस्कस होता नहीं ना तो मंडे को हम फ्लूइड्स का आप अपना चेक चुक कराना जो भी है तो जो मेन अब उसको आप डाल ही देना उसमें ग्रुप में थोड़ा सा मेन क्वेश्चन मेन प्रायोरिटी तो क्लास में डिस्कस कर दूंगा फ्लूइड्स का टेस्ट ठीक है तो टाइम कितना होगा कब काफी होगा मुझे पता है सवा बारह ठीक है इसे नहीं है वो डेरिवेशन कोई पिक्चर देखी है यहाँ पर मुझे ऐसे लुढ़क गया था प्रदीप देखे सदियाँ दे रही हैं आइसोबैरिक एंड आइसोबैरिक प्रोसेस अगले साल से वही ले लेंगे हाँ जी शायद इसने करी हुई देखना तेरी बुक है आइडियाबेटिक देखो उसमें आइडियाबेटिक डेरिवेशन है इसका चलो मैं स्टार्ट करता हूँ डेरिवेशन हाँ मुझे एक्चुअली साल बाद करते हैं ना कोई वो नहीं है इसमें सब करने में अभी करूँगा टाइम ज़्यादा लग जाएगा और क्या आराम से करते हैं तो टू प्रूव पी वी गामा इज इक्वल टू तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ dq is equal to du plus dw and
नहीं 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 फिर होगी मैं अभी अपने बेस पे कर रहा हूं मुझे कहीं लगेगा हिंट चाहिए होता है खोल के म्यू को हम क्या लिखते हैं यार न्यू सिक्योरिटी यस यस सर एंड डी डब्ल्यू क्या लिखेंगे पीडी की पीडी तो हमारे पास यहाँ पे प्लस टू अब आ गया इसको टू साइड पर रखो अभी तक पूरा चलो आप देख रहे थे ये क्लियर है इधर हमने इसको लिया फर्स्ट लॉ को फर्स्ट लॉ में किसकी कंडीशन लगा दी एडियाबेटिक प्रोसेस की अभी कुछ नया नहीं किया हमने डी यू प्लस डी डब्ल्यू कईयों को नहीं याद हो याद करूँ क्या होता है यू सी टी और डी डब्ल्यू पी डी देता है यहाँ रुक गया अब हमने कहना है जो मैंने बोला था आपको फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है अगर आप कॉन्सेप्ट को लर्न करते हैं ना अब याद है आपको ये कल मैंने बात करी थी अभी आपने प्रैक्टिस कम हुई है कि जब भी कोई क्वेश्चन चल रही हो कोई सॉल्व करना हो ये तो साथ में किसको यूज कर सकते हैं हमेशा तो अब मुझे क्या क्या मिल रहा है अभी अभी आप छोटे बच्चे हमेशा ये चल रहा है यहाँ पे तो लेकिन इसका कुछ सीधा हल तो निकल नहीं रहा तो लेकिन कुछ ना कुछ रिप्लेस करना है किसके पास गया सर हमें रिप्लेस क्या करना है कुछ ना कुछ यहाँ सेम टर्म लाने की कोशिश करूंगा यहाँ डी टी है यहाँ डी है तो कुछ ऐसा यहाँ डी को रिप्लेस करूँ इन टर्म्स ऑफ डी टी यस है ना कुछ ना कुछ तो कुछ सिमिलर से वेरिएबल लाने की वैल्यू भी निकाल के पुट कर सकते हैं हाँ किसकी पी की पी की हाँ कुछ भी कर सकते हो लेकिन उसका रीजन है कि हमें उस पर पी की वैल्यू सीधी पुट करेंगे तो भी डी वी में कमी रहेगा ये डी टी है ना सर ये डी टी है ना सुन सुन तुम क्यों बात ये कौन है डी वी अभी इसको देख के हम कुछ भी आगे चल नहीं तो मेरी कोशिश है कि डीवी को उड़ा दो सर उसके बाद भी क्या करते हो हम तो कई बार होता है इस रास्ते से पकड़ते हो फिर उस रास्ते से पकड़ लेते हो कभी कभी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व नहीं हो रही ढंग से कौन सी ढंग से सॉल्व होती है राइट हैंड साइड सॉल्व होती है तो लाइक दैट है ना मैं ये मानता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड को टेढ़ा करना मुश्किल होता है कि आर से बराबर लेकिन आर में सुंदर होती है फटाफट के चल एल एच एस होगी एनीवे अब इधर आओ यहां मैं यहां तो आप बताओ इसको चलो डिफरेंशिएट करो कौन सा लगेगा दैट इज प्रोडक्ट रूम प्रोडक्ट रूम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्चुअली मुझे आपकी खातिर ना विद रिस्पेक्ट टू टी बोलना पड़ा तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टी ना लिखूं मैं सारे बच्चे बोल देता पड़ेगा आप इसके बिना भी बिना वेरिएबल के बात समझते हो मैं समझाया हूं आपको डीडी लगा दी हां पता है इस बात का इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना भी लिखा हो तो भी पॉसिबल है तो यहाँ कहते हैं पी डी बी लेना यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लेना है ठीक हो क्या लिखो पी डी बी प्लस वी डी बी समझ आ गया और इधर क्या लिखो म्यू आर कॉमन आ गया और जे कांस्टेंट है क्या लग गया अगर ये भी होते तो ये भी डिफरेंशिएट होते तो ये ज्यादा बेटर है राइट तो मुझे तो ऐसा लग रहा है हाँ डी टी को मैं रिप्लेस करने वाला हूँ मैं खुद ही नहीं आता डी टी को रिप्लेस करने वाला हूँ तो dt is equal to
क्योंकि पड़ेगा पीडी भी बिल्कुल ठीक है, पीडी को रिप्लेस करने लगा बच्चों क्या होना चाहिए, पीडी अपॉन बीटी म्यू आर, बीडी अपॉन म्यू आर। तो मैं आपको एक मैंने खुद याद किया हुआ कॉन्सेप्ट है, इतना पता है प्रोसाइड पर दाएं बाएं जाएंगे तो लेंगे सवाल बात कर रहे हैं इसको। तो अब पता है करो यहाँ पे डीटी को यहाँ रिप्लेस करो जो भी गलत सर पूरा कर दे, मुझे लगता है उसको करने में ध्यान नहीं था याद नहीं था, तो मुझे अब रास्ता दिख गया सर डीपी फिर आ गया आएगा चिंता मत करो, मुझे अब रास्ता दिख गया ना, मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ सर और कुछ नहीं डिग्री सी बात प्लस ओहो थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता ना, VDP है ना ऑनवर्ड म्यू आर। हाँ मैथमेटिक्स प्लीज आप सर है ना मेरे साथ वहां से यहां मिलाओ, मेरे साथ वहां से यहां मिलाने की बजाय जो मैं कहता हूँ उसे चेक करके मेरा चेक करते हो मैथमेटिक्स, कोई मैंने म्यू सी भी गलत कर दिया सर कर दिया। तो मैंने उसको एक स्टेप कर लिया, आप एक एक फालतू स्टेप लेके आओ अपना अपना, जिनको भरोसा है कि अलजेब्रा आता है वो अपना अपना अलजेब्रा कॉपी भी करके मेरे साथ फाइनल करते जाओ ठीक है। तक सर आप आगे कर दोगे अरे यहाँ तक पहुँचे नहीं बच्चों हाँ। तो अब पीडीबी को ये कॉमन आ रहा है सर म्यू निकाल सर म्यू का म्यू भी चला गया वो कैसे बना रहा है कर दो कर दो कर दो कर दो क्या लिखो सीपीडीबी प्लस आरपीडीबी इकट्ठे कर देता हूँ फिर आपकी हेल्प से मैं, और ये सीबी है ना सीबी मैंने कैसे लिखा हूँ बस सीबी निकाल के मैंने तेरे को दिया। तो यहाँ पे दैट इज सीबी प्लस आर क्या बोला डीबी वहां बी डी आएगा म्यू सी बी डी डी बी थैंक यू आ गया सर सेकंड पोजीशन पे ऊपर जिस लाइन में आप वहां सेकंड यहां सेकंड सेकंड से सेकंड यस सर हां यहां बी में आ रहा यस सर वो बी पर मैंने वो फोर्थ तभी तो आपकी हेल्प मांगा यस म्यू सी बी यस म्यू सी बी बी डी बी बी डी बी तो फिर और खाली बी डी फिर वहां से भी डीपी के साथ बी आ जाएगा वैसे बी डीपी है ना यहां है ना यस सर थैंक यू। तो सी डी बी डीपी है ना वो बी डी कैंसिल हो गया मेरे सर दोनों बी आ गए। तो अब क्या करूं यहां पे सर हम सी डी बी डीपी इज इक्वल टू 0 ठीक है सर पी पी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपके बारे में गणेश कह रहा था सर आप कर लो पहले फिर बात करते हैं आपसे फिर करता हूँ आप क्या करते हो सी प्लस आर है ना पी डी ठीक है ना। अब ठीक है जी यहाँ तक पहुँचो सारे बच्चे पी डी बी गिरते उठते पहुँचो। अब सी डी प्लस आर क्या होता है सी पी सी पी सी पी ठीक है तो CP plus R is equal to CP. अब फिर dividing both side by वो कर दो CP. Dividing throughout by CP कर दिया. और क्या बोलते हैं? तो CP upon CP को क्या put करते हैं? Gamma. Gamma PDB plus VDP is equal to zero. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ओपन इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तो राइट में कॉन्स्टेंट आ जाएगा पता है आपको अगर इंडेफिनिट इंटीग्रल होगा तो कॉन्स्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड को नहीं पता था बोथ करेंगे इज इक्वल टू व्हाट सम कॉन्स्टेंट सी को तुम सी को ए बाद में समझ लेंगे। अभी काम आप करो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय पीवी डिवाइडिंग डिवाइडिंग हाँ पीवी हाँ डिवाइडिंग थ्रू आउट
आपको सर एक पास्ट बुक में मैंने याद नहीं की है, ये देखो आप समझ लेना, मैं एक कुछ साल बाद कराते हैं प्रूफ एक बार ना उन्हें दोनों सेम सेम तो लेके मैं थिंग्स है कि फंडामेंटल्स क्लियर होंगे आपको, कभी बर्डन नहीं पड़ेगा आपका, इतना कॉन्फिडेंस होगा। क्या है मुझे मुझे क्यों क्यों वापस आना पड़ा, मैंने कहा पंगा पड़ जाएगा इंटीग्रेशन नहीं क्यों नहीं ये पी ये पी आर हो वी है फिर मैं वापस आने यार हो इंटीग्रेशन बाद में लिखते हैं अभी तो अभी क्या लिखना हमने एक स्टेप आपके लिए गामा डी डी बाई बी यस डी प्लस डी डी बाई बी इज इक्वल टू अब कब दो इंटीग्रेट अगर आपको आती है मतलब लॉगरिथम आता है नहीं आता तो कुछ कर नहीं सकता फिलहाल ना, तो अभी क्या प्रोडक्ट रूल आ गया is equal to c, तो अगर किसी का लॉगरिथम कांस्टेंट आ रहा है वो इंटरनल टर्म ये भी क्या है स्कूल में आनी नहीं आनी है उस वक्त डेरिवेशन करवाने का क्या, अभी डेरिवेशन में आपने क्या सीखा बताओ, अगर अगर तब चीजें सोचो स्कूल में कितने नंबर की आनी है गुड क्वेश्चन है रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर आप ये एंजॉय करो रास्ते में आपने क्या क्या ट्रिक्स सीखे तो अच्छा मुझे आप करो ये हो गया हमारा यस, अब दो प्रोसेस हमारे बच्चे हैं जो बड़े देर बाद मैं जस्ट मेरी बात का आंसर देता हूँ, तुम्हारी सभी को फायदा होगा कि जब मैं बात करूँगा तो नॉट फोकस मैं अपनी अपनी तरीके कर रहा हूँ डॉटर की कर रहा हूँ कि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ और डॉटर मेरी स्कूल में चंडीगढ़ स्कूल में सेंट जेवियर स्कूल है, तो पांच सेक्शन थे वहाँ पर पाँचों में टॉपिक करती थी कंसिस्टेंटली, तो मेरी वाइफ कहती इसको डॉक्टर बनाना है, मैंने कहा नहीं नहीं बनाना जो करेगा सब नहीं करेगा बनी अच्छा ये नहीं मतलब, तो एट्थ में कहती पापा मैंने कभी बना डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं बना इंजीनियर वगैरह साइंटिस्ट बना जो दिल करेगा बन जाना बेटा, तो मेरी वाइफ से लड़ाई हुई तो ये क्यों कहता है बच्चे को मैं उसको ऑलरेडी टॉप करा सकता हूँ समझो बात को एम्स वगैरह कोशिश करके फिजिक्स तभी से पढ़ाई शुरू करता मेडिकल में फिजिक्स होती है, नाइन्थ में कहती पापा मुझे ना बायो बड़ी अच्छी लगती है वो स्कूल में प्लांट्स नोट्स नाम लिखे होते होंगे या आपके भी लिखे होते होंगे तो सारे याद, तो मैं कहा बेटा तो बायो पढ़ लेना बड़े नाइन टेंथ में उसको केमिस्ट्री टीचर अच्छी मेरी मंगला मैम कोई पापा केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ती थी ना तो सर टॉप कर गई थी वो लेकिन और घर आगे पढ़ती बिल्कुल पढ़ती थी मतलब बच्चे उससे पूछते थे ना जो जो फर्स्ट सेमेस्टर भी दीदी आप कैसे पढ़ते हो चुके कहते मैं उनको बता दूंगी तो ये तो फिर परेशान हो जाएंगे रीजन नहीं मतलब अपना क्लास को ध्यान से देखा आगे होमवर्क किया हाँ थॉरली वेल रेड और भी थी लेकिन 300-400 किताबें फालतू वाली चाहे वो साइंस है वो चाहे साइकोलॉजी फलाना पढ़ते शौक पढ़ने का समझ उधर ध्यान चला गया बस टू अंडरस्टैंड मैं कहीं भी ध्यान खत्म दूंगा बाद एक मिनट और दूंगा आपका, तो प्लस टू में फिजिक्स पढ़ी उसने फिजिक्स सो ब्यूटीफुल फिजिक्स पढ़ देना बेटा, तो प्लस टू के बाद उसका अमेरिका भेजने का प्लान था मेरा लेकिन लास्ट मोमेंट में विड्रॉ कर गया, फाइनेंशियल्स भी थे उसमें लेकिन वो भी था कि छोटे सा मतलब थोड़ा सा होता था कि वहाँ भी रिलेटिव नहीं है फिर बच्चे को भी भेज दें बोली मारो सी डेड सिंपल बी एस सी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी इट्स गुड यूनिवर्सिटी लेकिन तो वहाँ पर ना
15 दिन बाद आगे होने लगी घर पे, कहती पापा वहाँ पे तो कोई पढ़ाता ही नहीं है, वहाँ तो बस मार्क्स ही बदलती हैं, पेपर में सिलेबस क्या है वो क्या है, टीचर भी आते हैं सिलेबस बता के ऐसे पता चले, तो वहाँ कोई नॉलेज की बात ही नहीं कर रहा होता कॉन्सेप्ट। तो मैं कहा बेटा इंडिया ऐसे चलना है। तो अब फिर पेपर आए, पेपर में क्या हुआ, नकले मार रहे बच्चे, 70 बच्चे की क्लास है, नकले मार रहे हैं, बाथरूम में किताबें रखी हुई हैं पंजाब यूनिवर्सिटी बात, तो फिर वही आ गए। तो मैंने पूछे कि तुम्हारा टेंशन है, मैं तेरा पप्पू आज तक पूछे नंबर तेरे से मैंने, मतलब नंबर की बात नहीं करता, मैं मुझे पता था नॉलेज नॉलेज की। तो एक और एक्स वाई जेड लड़की है, वो हमेशा फर्स्ट आना उसने, तो धीरे धीरे मुझे 6 महीने लगे अपने बच्ची को ना, वो करते हुए क्या डॉन बने टीचर्स ने वाइवा में जो चापलूसी करते हैं उनके नंबर ज़्यादा लगा देने, इसने सब कुछ बताना इसके साथ, जो रोज गुड मॉर्निंग करती थी लड़की उसके आठ, उसे आंसर कोई नहीं दिया, ये चल रहा था कोई बात नहीं, लेकिन हम लगे रहे। तो इन द मीन वाइल मैं उसे बोला कि तुझे बुक्स में जो लिखा है ना वो आना चाहिए बस, मतलब जो कॉन्सेप्ट है कोर पे तुझे पता क्या आता है। मुझे टाइम बीता, एक प्रोफेसर अच्छा भी है वहाँ पे, ये वहाँ पे एक सिम्पोजियम में भाग लेने शुरू किया इसने, इसने एक क्लाउड चैम्बर है जो दैट इज पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने वाला, वो एक कंपटीशन आया इसने बहुत बढ़िया बनाया, वो वहाँ से रिकॉग्नाइज में आ गई, टीचर्स ने इसको लाइक मतलब उसी टॉपर भी थी लेकिन सारी ऑल एक्टिविटी में, और क्लास में अगर कोई क्वेश्चन अटक गया ना, कोई टीचर ने क्वेश्चन पूछ लिया स्पॉन्टेनियस, अगर स्पॉन्टेनियस मेरे बात को जो कॉन्सेप्ट लग रहा है, शी वॉज ओनली गर्ल, 70 में से वही आंसर देती है, आवाज भी दे रही है। और धीरे धीरे क्या हुआ, कोलकाता से आइजर, आइजर सुने आपने, आइजर सुने होंगे, आइजर जैसे आईआईटीज है ना, आईआईटीज इंजीनियरिंग के लिए और आइजर्स पिछले 8-10 सालों से काफ़ी ऊपर आ रहे हैं प्योर साइंसेस के लिए, आइजर्स पर आप भी उनका ध्यान रखना, तो काफ़ी इनका नाम बढ़ रहा है वर्ल्ड में, उनकी रिकॉग्निशन बढ़ रही है आइजर्स की, मोहाली कोलकाता नंबर वन है। तो आइजर से प्रोफेसर आए, उनका लेक्चर सुना, उन्होंने उनको मेल डाली, तो शी गॉट इंटर्नशिप ओवर देयर, 1 महीना जाके क्वांटम कंप्यूटिंग, इस वक्त अगर आपने सुना होगा पर बड़ा वो गया इस वक्त क्वांटम कंप्यूटिंग का, शी इज़ अ वन ऑफ द गुड रिसर्चर नाउ क्वांटम कंप्यूटर, अभी अभी एमएससी कर रही है एमएससी फर्स्ट में। तो वो अकेली लड़की है पूरी पीयू की हिस्ट्री में जिसको ऐसी इंटर्नशिप मिली है, और अभी लेटेस्ट आईबीएम की टॉप, आईबीएम के जो वर्ल्ड के हेड हैं वो पर्सनली जानते हैं मेरी बेटी को इस वक्त, कि ये सभ्यता को तैसा, और काफ़ी वर्ष पे है मेबी उसकी वहाँ पे कोक वर्क वगैरह लग जाए पेड वर्क, नहीं उससे पहले भी कनाडा में से उसको यूएफटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, सुना हुआ मतलब टॉप 20 में आती है वर्ल्ड की अच्छी यूनिवर्सिटी, और कनाडा नंबर 1 है, वहाँ के साइंटिस्ट ने इसको 3 महीने की इंटर्नशिप दी है पेड इंटर्नशिप,